नमस्कार भाई। नमस्ते सुमन जी, आपका भी। और कैसे हो? और बस बढ़िया है। जालौर में क्या चल रहा है? जालौर में तो सुबह भी तो अच्छा चल रहा है। जालौर में घोड़े पैदा हो रहे हैं? हाँ, जालौर में तो वो भी तो आपका तो भाई है ना यार, सुभाष भाई। हाँ, वो मेरा बड़ा भाई है। कहाँ गया वो? वो आज बाहर गए हुए हैं। अच्छा, बाहर गए हैं? हाँ, बाहर गए। अधिकतर तो घोड़े वोड़े वही संभालते हैं, वही देखते हैं सब, है ना? हाँ। अच्छा, तो उनके साथ आप देखते हो? हम तो बहुत कम, लेकिन ज्यादा वही देखते हैं। अच्छा, ज्यादा वही देखते हैं? हाँ, बड़े भाई देखते हैं। अच्छा, बड़े भाई हैं क्या आपके? हमारे बड़े भाई। अच्छा, कितने रखते हो अपने घोड़े वोड़े? अभी हमारे पास दो घोड़ी है। दोनों घोड़िया ही है? हाँ, दोनों घोड़िया ही। अच्छा, जालौर में मेरे ख्याल से अब तो बहुत लोग कम है, रुझान कम हो रहा है क्या थोड़ा घोड़ों का? नहीं, अभी तो वैसे लोगों में और ट्रेंड आया है। अच्छा, पहले से तो अभी अच्छा चल रहा है। अच्छा, जालौर के नए लोग है जो रख रहे हैं घोड़े? हाँ, अभी धीरे धीरे एक को देख के स्टार्ट हो रहे हैं फिर एक बार फिर से। अच्छा अच्छा, और वैसे देखा जाए तो एकाध घोड़ी तो रखते ही है करीब करीब। हाँ, लगभग लगभग तो है। हर गाँव में मेरे ख्याल से 4-5 घोड़िया तो मिल ही जाती है। उतनी तो मिल ही जाती है ना। बाकी जैसे फेमस तो अगर बात करें तो ये पोसणा, ये दासपार, ये हाँ, ये बेल्ट साहिला बेल्ट हाँ, इनमें ज्यादा है घोड़िया? इनमें ज्यादा है थोड़ी। बाकी इधर आप वाले इस बेल्ट में पुनासा वाला एरिया पड़ता होगा ये शायद? हाँ, ये पुनासा से 5 किलोमीटर है नजदीक। पुनासा से 5 किलोमीटर है क्या? पुनासा से 5 किलोमीटर। हाँ, तो इधर तो एकाध घोड़ी रखते है। तो दो घोड़िया है अपने पास में? हाँ, हमारे पास दो घोड़िया। तो शुरू से रखते हो या अभी लगा आपको? नहीं, पुरानी टाइम से, दादाजी के टाइम से चल रही है। अच्छा, दादाजी की तो पुरानी ओदगी होगी ये घोड़िया या? हाँ, ये तो है, तो पुरानी है। सरणव अर्जुन जी, उन्होंने पास की लाइन की घोड़िया उस लाइन से। क्या नाम बताया? अर्जुन जी सरणव। हाँ, कहाँ के है वो? वो सरणव के। सरणव आपके जालौर में इधर ही है? हाँ, रानीवाड़ा बेल्ट। अच्छा, रानीवाड़ा। हाँ, अच्छा अच्छा, रानीवाड़ा में है ना? हाँ। बस ठीक है। ये कितनी उम्र की है ये घोड़ी? ये अभी 5 साल की हो गई है। 5 साल की? हाँ, 5 साल की हो गई। आप थोड़े से आगे आ जाओ। हाँ, बस 5 साल की है? हाँ, 5 साल की हो गई। अच्छा, पहले दिया था बच्चा इसने कोई? इसने एक बच्चा दिया, बहुत अच्छा बच्चा दिया था। अच्छा, आपके यहीं पे है ना? हमारे यहीं पे दिया था। अच्छा, कौन से घोड़े का था वो? वो वीरू का था, निम्बावास से वो जूजानी घोड़ा गया, अभी चोरा में खड़ा। वीरू तो बढ़िया घोड़ा यार वो, अच्छा घोड़ा था, अच्छा ब्रीड है। जूजानी उसके पास था? मेघराज सिंह के पास। नहीं, मेघराज सिंह के पास थोड़ी था, विजय सिंह के पास था। विजय सिंह और मेघराज सिंह। हाँ, विजय सिंह और मेघराज सिंह दोनों के साथ में था शायद वो। हाँ, अभी कहाँ है वो घोड़ा? अभी चोराऊ में खड़ा है। अच्छा, चोराऊ बेल्ट में। पहाड़ जी के पास है क्या? हाँ, बढ़िया घोड़ा है वो। अच्छा घोड़ा है वीरू। और वो उनके साथ तो कोई रिलेशन में था मेरे ख्याल से वो घोड़ा भी? हाँ, वो भी इन्हों के रिलेशन में ही था। अच्छा, उसका था बच्चा? उसका बच्चा था, अच्छा सेम घोड़े की कॉपी का बच्चा दिया था, सेम वैसा ही। अच्छा, तो फिर वो कहाँ से? हमने सेल किया भाटी हबीब को, मेहसाणा। मेहसाणा? हाँ, गुजरात में। गुजरात में। अच्छा, क्या मार्किंग आई उसके? उसका सेम घोड़े की मार्किंग, पीछे का एक पैर वाइट था और पूरा पट्टा था। अच्छा। हाँ, 5 साल की इसकी, वो एक ही बच्चा दिया था इसने? एक ही बच्चा, अभी 5 महीने की प्रेग्नेंट है, वो भी वीरू से ही है। वापस वीरू से ही है? वापस वीरू से। अच्छा, क्या फीस लेते हैं वो वीरू वाले? अभी वो तो बड़े भाई को मालूम है उस टाइम। अच्छा, आपको पता नहीं है मतलब? 31,000 कुछ है। 31,000? हाँ। अच्छा, और अभी भी वीरू से ही प्रेग्नेंट है। फीस का तो आजकल बड़ा टेढ़ा काम हो गया यार। अभी तो चल रहा है वही है, है? अच्छे घोड़े के लिए तो फिर हमारे को भी करना पड़ता है कुछ। बिल्कुल सही बात है। मार्किंग में क्या है इसके? 3 पैर वाइट है? तीन पैर वाइट है और पूरा पट्टा है। पूरा पट्टा है। हाइट हाँ। वगैरह क्या है इसकी? इसकी हाइट 61 है। 61? हाँ। अच्छा, इसका फादर था बच्चन। बच्चन? बच्चन राज का, राज रत्नाकर, जो अर्जुन जी के पास खड़ा था सरणाऊ में, बच्चन। अच्छा अच्छा अच्छा, उस घोड़े की बच्ची है। इसका बाप है जो बच्चन है? हाँ, बच्चन। अभी कहाँ है वो घोड़ा? अभी तो वो आगे चला गया टोंक में। अच्छा, ब्रीड कहाँ हुई थी? ये ब्रीड तो हमारे इधर ही हुई थी। अच्छा, आपके इसी एरिया में? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, बच्चन का नाम तो काफी सुना है यार मैंने भी यार। अच्छा, उसने रिजल्ट भी अच्छे दिए बच्चन ने। अच्छा अच्छा, अच्छा घोड़ा कुल मिला गया। हाँ। अच्छा, नाम किया था? अच्छा, तो अभी आगे क्या है इसका विचार घोड़ी का? बस अभी तो हमारे को किस्मत से मिली है, बेचने की था नहीं, अच्छी घोड़ी है। अच्छा अच्छा, और बच्चे भी अच्छे इसके ब्रीड हो रहे हैं। तो ब्रीडिंग ही कराओगे मतलब इससे? ब्रीडिंग के लिए, और घर पे वैसे भी घोड़ों का दादाजी को शौक है, चल रहा है वही पुराने से। हाँ, तो पीडी में घोड़े तो मतलब रहते ही है। हाँ, मैंने तो घोड़े ही देखे हैं फिर से। चलो बढ़िया यार, आपके जालौर वालों की मेहनत है साहब, बहुत अच्छी मेहनत करते हो आप लोग घोड़े। वैसे तो हमारे क्या है उसमें, वो दूसरे पशु भी रखते हैं तो घोड़े भी साथ में। हाँ, आपके तो
ज्यादा दिक्कत नहीं आती घोड़ो रखने में? नहीं, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। आपके तो लेडीज वेडीज भी संभाल लेती? हाँ, संभाल लेते हम, नहीं रहे तो भी संभाल लेते। चलो ठीक है भाई, क्या नाम बताया आपका? मेरा नाम शंकर। शंकर भाई, अच्छी घोड़ी है आपकी यार, और उम्मीद करते हैं कि अच्छा बच्चा आए इसके साथ में एक और। नहीं, हमारे को भी घोड़ी से तो बहुत सारी उम्मीद है। ठीक है, चलो ठीक है। आप नमस्कार जी। नमस्कार। जोर से बोल रहा हूँ। थोड़ा तेज बोलो यार, घोड़े रखते हो आप यार, घोड़े की आवाज़ में निकालो एक बार तो। घोड़े वाले तो घोड़े वाले की आवाज, घोड़े की आवाज निकाल देते हैं। नहीं, घोड़े की निकलेगी हमारी, फिर ट्रांसपोर्ट की लैंग्वेज निकलेगी। तो वो निकाल दो। ये सिंधी नस्ल में है क्या? हाँ, प्योर सिंधी है। प्योर सिंधी। आपके इस जालौर के में रखते हैं क्या? सिंधी भी घोड़ी भी रखते हैं, सिंधियों का भी शौक है और पुराने टाइम से रखते हैं। बहुत शौक है यहाँ पे। हाँ, तो आप ये एक ही रखते हो? हाँ। अच्छा, शौक से ही रखते हो या क्या है, ब्रीडिंग का है? नहीं, शौक से। शौक से ही चलाते भी हो बैठ के इसको? हाँ, सवारी भी कर लेते हैं। अच्छा, सवारी भी कर लेते हो। तो ये राइडिंग के लिए, इसके लिए रख रखी है मतलब? हाँ। अच्छा अच्छा, क्या नाम दे रखा है इसको? नाम वाम भी है क्या कुछ इसका? इसका नाम है प्रियंका। प्रियंका। हाँ। अच्छा, आज तो मेरे को तो एक तो मिला था रॉकेट। रॉकेट मिला था? हाँ, रॉकी। रॉकी रॉकी मिला होगा, रॉकेट नहीं। हाँ, रॉकी रॉकी मिला था एक तो। एक केसर काल भी मिली थी। और अब ये प्रियंका मिली है। तेरा नाम प्रियंका है क्या? निकिता है। निकिता, कितनी उम्र की है ये? ये है 9 साल की। 9 साल की? 9 साल, बच्चे झूठ नहीं बोलते। 9 साल की है तो बच्चे बच्चे दे रही है? हाँ दिया अभी लास्ट टाइम में, अभी सुपर लग रही है मुझे। हाँ, ये प्रेग्नेंट है अभी दूसरी बार। अच्छा, दूसरी बार। पहले यहीं पे दिया था बच्चा आपके? हाँ, पहले यहीं दिया था। अच्छा अच्छा, अभी कौन से घोड़े से है ये? ये है अभी सरनाऊ, अर्जुन देवासी का घोड़ा है ना, उससे। अच्छा, सिंधी नस्ल का है क्या वो घोड़ा भी? हाँ, प्योर देसी है। देसी? देसी मतलब मारवाड़ी? हाँ, मारवाड़ी। मारवाड़ी घोड़ा है ना। अच्छा अच्छा, उस घोड़े से सुपर है, कितने महीने की है ये? अभी समझो ना, एक दो दो तीन दिन में बच्चा देगी। अच्छा, 2-3 दिन में दे देगी ठाणा ना। अच्छा अच्छा अच्छा। और हाइट वगैरह तो कम ही होती है सिंधी की, ज़्यादा तो नहीं होती? हाइट तो भी है, बस बैठ के सवारी हो जाए वो बढ़िया है। 60 है, 60 इसकी। 60 है? अच्छा अच्छा, कौन सी जात में है ये? सिंधी में कुछ है आइडिया वो? सिंधी है भाई। सिंधी बोलते हो? नहीं, इनमें भी ओद होती है ना वो? ओद तो कौन? इनमें भी बहुत ओद होती है साहब, ताजंडर और कौन कौन सी, केसर कालवीर, ये तो सब नाम है, ओद नहीं है उसमें। नहीं, ओद तो होती है घोड़ियों की, कैसे नहीं होती है? हाँ, सिंधी में भी ओद होती है। चलो ठीक है, जो भी है, आप तो राइडिंग करो इस पर मस्त। ठीक है भाई साहब।